0 and a 1. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ऐसे केस में a 0 और a 1 की वैल्यू को आपस में क्या कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, अदरवाइज नो चेंज.
में ये क्या हो गया 41 यहाँ पे आ गया 45 हो गया फिर यहाँ से 14 हो गया इसको छोड़ने पर 14 और ये 45 इसको छोड़ दिया तो नो चेंज इसको छोड़ दिया तो नो चेंज ठीक है यहाँ पर कौन सा पास कंप्लीट हो गया पास थ्री कंप्लीट Thank you.
साइज एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा कि साइज इज इक्वल टू इंटीरियर इनपुट इंटर साइज लिख लेंगे। अब एलिमेंट इंसर्ट कराना है तो यहाँ पे हमने एक मैसेज थ्रो कर दिया प्रिंट एंटर एलिमेंट्स और फिर फॉर आई इन रेंज एन और वेर इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट और ए लिस्ट क्रिएट कर दिया, लिस्ट का साइज एंटर करवा दिया, लिस्ट के एलिमेंट इंसर्ट करा दिए। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। फंक्शन का नाम एकदम सही लिखना चाहिए। बबल सॉर्ट ए और साइज। अब यहां एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर यहां साइज माना है तो साइज लिखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ लिस्ट हमने लिखी, यहाँ पे जो फंक्शन के साथ प्रोसेस किया वही हमने यहाँ भी माना, इसलिए कि हमारा काम इजी रहेगा। अगर आप जरूरी नहीं है, एक्चुअल पैरामीटर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल पैरामीटर, नेम डज नॉट मैटर, नंबर ऑफ एक्चुअल पैरामीटर मस्ट बी सेम एज द नंबर ऑफ फॉर्मल पैरामीटर। यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर क्या है, ये the parameters which are defined, the parameters which are declared in the definition of the function is called formal parameter. ये question अक्सर examiner पूछता है कि differentiate between actual and formal parameter, board में भी पूछा है। parameter same name से मान दिया, number of actual parameter must be same as the number of formal parameter, name does not matter. अगर यहाँ पे list A माना है, size size माना है, यहाँ पे लिस्ट बी मान लीजिए या एल एस टी मान लीजिए, एल आई एस टी मान लीजिए, एल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, और साइज को मैंने यहाँ पे साइज सही डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे आप एन मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, क्यू मान सकते हैं, एस मान सकते हैं, लेकिन जो भी यहाँ डिक्लेयर करेंगे फिर वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा, समझ रहे ना। फिर ये वाला पैरामीटर नहीं चलेगा, यही पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर जो आपने ड्राइवर प्रोग्राम में माना है वही पैरामीटर। तो इसलिए अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने जो पैरामीटर नेम यहां माने थे सेम पैरामीटर नेम यहां मान लिया, समझ रहे हो ना। अब लिस्ट को ये फंक्शन को हमने क्या कर दिया, कॉल करा दिया। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा यहां से ले करके ये पूरा प्रोसीजर आपका कॉल हो जाएगा, ये प्रोसीजर कॉल हो जाएगा। और ये प्रोसीजर क्या कर रहा है, ये प्रोसीजर क्या काम कर रहा है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये प्रोसीजर लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। फंक्शन का मतलब प्रोसीजर, फंक्शन का मतलब प्रोसीजर, और प्रोसीजर हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, किसी भी चीज का डिफाइन कर दिया। तो ये प्रोसीजर क्या काम कर रहा है, लिस्ट को सॉर्ट कर दे रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। अब जब लिस्ट सॉर्ट हो गई तो अब सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट कराना है, तो हम फिर से प्रिंट करा देंगे सिंपली इसके थ्रू। यहाँ पे हमने लिखा फॉर या एक मैसेज दे दीजिए प्रिंट सॉर्टेड लिस्ट और फिर एक लाइन का ब्रेक कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब सॉर्टेड लिस्ट ये हेडिंग लिख कर क्या है और फिर लिस्ट प्रिंट हो। तो यहाँ पे एक लूप चलाइए फॉर आई इन रेंज एन तक लूप चलाया और प्रिंट अब लिस्ट आपकी इस फॉर्म में प्रिंट हो जाएगी। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हैं एंड इज इक्वल टू इस तरह से नहीं लिखते हैं vertical. तो ऐसे केस में लिस्ट आपकी वर्टिकल फॉर्म में, समझ गए ना बात, एकदम क्लियर है। यस सर, क्लियर है ना।